बॉलीवुड में एक समय अपने अंदाज और लुक से खास जगह बनाने वाले बॉबी देओल अचानक देखते ही देखते पर्दे से गायब हो गए। इस दौरान उनका इक्का दुक्का फिल्में आता रहा, लेकिन ऐसा लगने लगा जैसे कि उनका मैजिक खत्म हो गया हो। लेकिन इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए बॉबी ने रेस 3 के जरिए दमदार वापसी करने की कोशिश की और अब उनको लगातार शानदार काम मिल रहा है। आपको बताते चले कि बॉबी देओल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रहे हैं। निर्देशक प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम में वे नजर आएंगे। ये वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर इसी महीने यानी कि 28 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। बॉबी देओल एक ऐसे बाबा का किरदार करने जा रहे हैं जिनकी शख्सियत बहुत कुछ डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मिलती है। जानकारी के मुताबिक ये सीरीज एक राजनीतिक व्यंग्य है और इसके लिए काफी कुछ तथ्य जेल में वक्त बिता रहे डेरा सच्चा सौदा के संचालक राम रहीम की निजी जिंदगी से मिलता है। वहीं इस सीरीज में मुख्य महिला किरदार के रूप में अनुप्रिया गोयंका है। जी हां, अनुप्रिया इससे पहले फिल्म पद्मावत से सुर्खियां बटोर चुकी है। वैसे इसके अलावा बॉबी देओल क्लास ऑफ 83 में भी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म भी OTT पर रिलीज हो की जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुपरस्टार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही क्लास ऑफ 83 में बॉबी देओल एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बॉबी देओल का जादू कितना चल पाता है।